कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ। ये चल रहा है, जद्दोजहद चल रहा है कि वीडियो अपलोड हो जाए। इंटरनेट स्पीड इतनी अच्छी नहीं आ रही है, 2G जैसी स्पीड आ रही है। जब पुराने ज़माने में जब मैं गांव से वीडियो अपलोड करता था रात भर खड़ा होकर, वैसा टाइप का सीन हो रहा है यहाँ पे। रात भर से मैं लगा हुआ हूँ, 98% हो चुका है। एनीवे, व्यू बहुत ही ज़बरदस्त है। गुड मॉर्निंग फ्रॉम कारगिल। और ये हमारे होटल रूम का बालकनी है और हमारे रूम के जस्ट बाजू में खूबसूरत नदी बह रही है, बाजू में पहाड़ियाँ हैं। रात भर बड़ी अच्छी नींद आई, नदी की कलकल की आवाज़ सुनते हुए। ग्रीन स्काई, पहाड़ियाँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है। दोस्तों नमस्कार, मैं चिंतामणी जयपुरी आप सबका स्वागत करता हूँ एक और नए वीडियो में। और आज वीडियो चालू करने से पहले ही लाइक कर दीजिए। बहुत ज़्यादा धीरज के साथ इंतज़ार करने के बाद में आखिरकार वीडियो अपलोड हो गया। रात भर मैं इसको अपलोड में लगा के रखा था। कल रेस्ट डे है लेह में, तो मैं सोच रहा हूँ एक साथ 2-3 वीडियो एडिट करके एक साथ अपलोड कर दूँगा, शेड्यूल करूँगा फिर, अगर वहाँ पे इंटरनेट सही मिल गया तो। लेट्स सी। आज का वीडियो तो अपलोड हो गया, नाश्ता करते हैं और शुरुआत करते हैं आज के राइड की। आज वो दिन है जिसके लिए हम लोग इतने दिन से इंतज़ार कर रहे थे, राइड कर रहे थे। फाइनली आज हम लोग लेह पहुंचने वाले हैं। यहाँ ब्रेकफास्ट चालू हो चुका है, देखते हैं हेल्दी ऑप्शंस क्या क्या हैं। मेरे लायक क्या क्या हेल्दी है प्रत्युष सर? पूरी है हेल्दी, पराठे। ये है डाइनिंग रूम जहाँ पे ब्रेकफास्ट हो रहा है, लेकिन मैंने आज अपना डाइनिंग रूम इसको बनाया है। यहाँ पे रिवर के किनारे बढ़िया बैठ के करेंगे नाश्ता। नाश्ते में आज मैंने लिया है आलू की सब्जी, पराठा, पूड़ी, ब्रेड और ये पोहा। नाश्ते का टेस्ट और बढ़ जाएगा इस व्यू की वजह से, इस नदी की वजह से। नाश्ता इंजॉय करता हूँ, उसका डायरेक्ट मिलता हूँ बाइक में। इन पहाड़ियों को देखिए। जैसा मैं आप लोगों को बताया था जब हम लोग कश्मीर से निकले थे कि वो भी पहाड़ियाँ हैं लेकिन उनमें ग्रीनरी है। लद्दाख की पहाड़ियों में ग्रीनरी नहीं होती है क्योंकि ये पूरा बंजर धरती है। देखिए एक भी पौधा देखने को नहीं मिलेगा आप लोगों को यहाँ पे। हम लोग ले रहे हैं आज का पहला ब्रेक। डोंट बी अ गामा इन द लैंड ऑफ लामा। क्या बात। हम लोग जब लद्दाख के रास्ते में चलते हैं तो इस तरह के बहुत सारे साइन बोर्ड्स देखने को मिलते हैं जहाँ पे BRO वाले बहुत ही बढ़िया बढ़िया कोट्स लिखे रहते हैं। हम लोगों ने ये पहला ब्रेक लिया है, खूबसूरत सा लोकेशन दिखा तो यहाँ पे हम लोग वाटर ब्रेक लिए हैं। ये कोई खांगराल नाम का जगह है जहाँ का ये चेक पोस्ट पे रुके हुए हैं हम लोग और सबकी एंट्री करवानी है। हो गई एंट्री और यहाँ पे बस बाइक्स का नंबर इंटर हुआ और कितने लोग हैं ये इंटर हुआ। झूले। हम लोगों ने यहाँ पे एक और स्मॉल सा ब्रेक लिया है और नज़ारे देखिए, जैसा कि आप देख ही रखते हो। यहाँ पे हम लोग जानबूझ के लगभग 50 किलोमीटर पे ब्रेक ले रहे हैं ताकि पानी पीते रहें, हाइड्रेटेड रहते हैं, किसी को कोई दिक्कत ना हो। और यहाँ से लमायरू है और 18 किलोमीटर। इस वक्त 12:11 हुए हैं और रोड बहुत ही बढ़िया है और हम लोग बहुत इन्जॉय करते हुए चल रहे हैं। और उस तरफ देखोगे आप लोग तो स्नो पीक्स दिख रही हैं। मैं क्या बोलूँ, मैं तो भावनाओं में बह चले जा रहा हूँ। अभी मैं बहुत देर बाद अपना GoPro ऑन किया और मैं बस इस नेचर को एब्जॉर्ब कर रहा था, इस सीनरी को, इस ब्यूटी को एब्जॉर्ब कर रहा था, हिमालय को एब्जॉर्ब कर रहा था। और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत कूल, काम और रिलैक्स्ड फील हो रहा है मेरे को। नो एंग्जाइटी, नो फियर, नो स्ट्रेस, कोई चिंता फिक्र नहीं। चिंतामणि को आज किसी बात की चिंता नहीं। ये सब जो राइड्स हैं, ये सब जो दिन हैं, मेरी ज़िंदगी के सबसे अच्छे मोमेंट्स में से एक हैं ये। तो मैं इनको एब्जॉर्व कर रहा हूँ और जी रहा हूँ ज़िंदगी। हम लोगों ने लिया है एक और ब्रेक और क्या हाईवे में तो भगाते भगाते आए हैं और यहाँ पे बस यही ब्रेक्स, बार बार ब्रेक्स ले रहे हैं और इस सीनरी को एंजॉय कर रहे हैं। मस्त बैठने के लिए बना हुआ है। भाई लोग एक बार आ जाओ, 2 मिनट के लिए मज़ा आ जाएगा। एक छोटा सा स्मॉल सा मीटिंग हो जाएगा हमारा। और लद्दाख पहुंचने के बाद ये जो प्रेयर फ्लैग्स हैं इनको देख के अलग ही फीलिंग आती है। कैसा महसूस कर रहे हो आप? सुपर, बहुत ठंडा 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 लग रहा है ना। अभी हम लोग जिस लोकेशन पे रुके हैं हमारे लिए मस्त एकदम बढ़िया लोकेशन है क्योंकि बैठने के लिए भी जगह है। सभी भाई लोग बैठ के अपन बातचीत कर रहे हैं और व्यू भी एंजॉय कर रहे हैं और बस मज़े कर रहे हैं। आप लोग का सबका पहली बार है लद्दाख का राइड, सो कुछ कहना चाहते हो, कोई मैसेज देना चाहते हो तो? बहुत मजा आ रहा है, क्या बात। जस्ट फॉर टू नाइट्स आई वांट टू बिलीव। ये सीनरी देखिए, लद्दाख को मून लैंड भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर का जो धरती है, ज़मीन है, वो चंद्रमा से काफ़ी मिलता जुलता है क्योंकि चंद्रमा में भी इसी तरह की बंजर ज़मीन है। वेलकम टू दी मून लैंड। और मैं एक गुजारिश करना चाहूँगा कि इतनी खूबसूरत धरती पे आए हैं, मून लैंड पे आए हैं, तो यहाँ पे गंदगी बिल्कुल भी ना फैलाएं, कचरा ना फैलाएं। वैसे भी ये लिटर फ्री जोन है। आमची गेस्ट हाउस एकदम ओरिजिनल यॉक टाइप डिज़ाइन है वहाँ पर। बहुत ही खूबसूरत गांव लमायरू, और वो ऊपर मोनेस्ट्री, जो लद्दाख की फ़ोटोज़ वगैरह आप लोग देखते होंगे, जो एकदम खूबसूरत वॉलपेपर वाली फ़ोटोज़, उसमें ये वाली मोनेस्ट्री का फ़ोटो भी रहता है अक्सर। एक और टर्न, वॉलपेपर चेंज। अभी पहाड़ियाँ देखिए, ऊपर जो पहाड़ी है वो डार्क कलर की है, नीचे लाइट कलर की मिट्टी है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी मूर्तिकार ने, किसी आर्टिस्ट ने इसको तराशा है अपने हाथों से। बहुत सुंदर। इन पहाड़ियों के बीच में ये वाली मोनेस्ट्री बहुत ही अच्छी लग रही है। और हम लोग काफ़ी ऊंचाई पे बाइक चला रहे हैं तो एयर प्रेशर कम होने की वजह से हमारे कान भी सुन्न हो जा रहे हैं। जैसे हम लोग जब फ्लाइट में बैठते हैं तो जैसे कान सुन्न होते हैं ना, वो ऐसा टाइप का कुछ लग रहा है। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ? कमेंट करके बताओ भाई लोग कि मैं सच में लद्दाख में हूँ क्या? सच में मैं लद्दाख में बाइक चला रहा हूँ क्या? ये सब सच में मैं इन पहाड़ों के नीचे, इसके नीचे से गुजर रहा हूँ क्या? मेरे को बताओ, विश्वास नहीं हो रहा है। एक और चेक पोस्ट, यहाँ भी हम लोगों को करानी होगी एंट्री। ये एक मेमोरियल बना हुआ है और यहीं पे चेक पोस्ट है जहाँ पे हम लोग एंट्री वगैरह करा रहे हैं, व्हीकल का नंबर वगैरह, और हो सकता है हम लोग को अपना RT-PCR टेस्ट भी दिखाना होगा। हो गया टेस्ट डन, बस एक सिंपल सी छोटी सी फॉर्मेलिटी थी, नाम वगैरह इंटर किए और RT-PCR टेस्ट दिखा दिए। अब हमको चलना है आगे। अभी जैसे हम लोग को किसी भी जगह पे जाने के लिए RT-PCR टेस्ट दिखाना पड़ता है, उसी प्रकार से हम लोग को कुछ समय बाद हम लोग के कोविड का वैक्सीनेशन का रिपोर्ट दिखाना पड़ेगा, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। तो आप में से जिन जिन लोगों ने भी वैक्सीनेशन नहीं कराया है, प्लीज़ जल्दी से जल्दी करवा लीजिए, और जिन्होंने कराया है वेल डन। अच्छा, कितने का है? लीजिए, ये बादाम लोकल यहीं का है? ओके, आप लोगों के खेत से वो निकलता है? हाँ जी, हाँ, हम लोग बादाम उगाते हैं। ओके, भी है लोकल बादाम, भी है सब लोकल है सर। ओके, वोकल फॉर, क्या बात, बहुत सही। वैसे बादाम का एक पैकेट मेरे पास में पड़ा हुआ है, लेकिन सपोर्ट लोकल बिजनेसेस, इसलिए मैंने ले लिया। यहाँ पे हम लोग ब्रेक ले रहे हैं खाना खाने के लिए। ये एक रेस्टोरेंट दिख रहा है यहाँ पे, द टर्निप रेस्टोरेंट। आज का लंच हमारा होने वाला है इस खूबसूरत सेटिंग पे, नेचर के बीच में। ये फ्रेश वेजिटेबल्स यहीं पे फार्म में लगी हुई है, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स। इसी की सब्जी बनेगी अभी, जो हम खाने वाले हैं। लंच दबा के हुआ है आज, उसके बाद अभी सुस्ती सी आ रही है। बाइक को भी लंच कराना पड़ेगा, पेट्रोल सिर्फ एक बार बचा हुआ है, 2 बार। हमारा आज का पहला फ्यूल ब्रेक। यहाँ प्राइस है 105.82, 105 रुपये, 106 मान लीजिए राउंड फिगर में। शूटिंग स्टोन एरिया, स्टॉप, लुक एंड गो। मतलब ऊपर से पत्थर गिरते रहते हैं और उतने ऊपर से पहाड़ी से कोई पत्थर तेज़ी से अगर आता है ना, तो उसकी स्पीड बहुत तक तेज़ हो जाती है और वो एकदम लाइक अ बुलेट, गोली की रफ्तार से टकराता है आके। सो बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है इस रास्ते में। अभी हैवी खाना खाने के बाद सुस्ती आ रही थी, झपकी सी आ रही थी। मेरे को लग रहा था कि गाड़ी मेरी ऐसी जा रही है, मेरे साथ साथ ऐसा शायद चिराग तेरे को भी लग रहा था। हाँ, मैं तो 2-3 बार लेफ्ट साइड हो गया था। इसकी गाड़ी 2-3 बार ऐसे लेफ्ट आ गई थी तो मैं रोका कि थोड़ा पानी वानी पिए, चेहरे में पानी मारें और नींद भगाएं। ये वाले साहब तो लेट ही गए हैं पूरे। राइड बढ़िया स्मूथ चल रही है, इतनी स्मूथ चल रही है कि झपकी सी आने लगी थी मेरे को। अच्छा सर, आपसे कुछ पूछना है। आपकी फैमिली पीछे फोर्ड एंडेवर में आ रही है, आपकी कार तीन चार कार भी अपनी पीछे है, सब लग्जरी कार्स हैं। तो आप बाइक में ही क्यों? बाइक में इसलिए क्योंकि अगर इस नेचर को एब्जॉर्ब करना है, यू नो, प्रकृति को। जब हम ठंडा है तो ठंडा महसूस कर रहे हैं, गर्मी तो गर्मी, बारिश है तो बारिश, वो कार के अंदर नहीं हो सकता। अपनी बेनेली टीआरके कैसा परफॉर्म कर रही है? बेहतरीन, मस्त। लाइक या सो थैंक्स टू निशांत, थैंक्स टू बेनेली, बेनेली रायपुर, बेनेली भिलाई। थैंक यू निशांत भाई ये ऑर्गेनाइज करने के लिए। पूरा आइडिया इनका था। एक दिन अचानक फ़ोन आया कि चिंता भैया चलते हैं लद्दाख, और पूरा प्लान फाइनल भी हो गया। सो वंस अगेन बेनेली इंडिया, बेनेली रायपुर, बेनेली भिलाई, सबको थैंक यू ये राइड ऑर्गेनाइज कराने के लिए। और मेरी इंफीरियाले तो बहुत मस्त चल रही है, एकदम मस्त परफॉर्म कर रही है। कई बार तो अपन टीआरके को ओवरटेक करके निकल लेते हैं। करेक्ट। राइड में भी मैंने देखा था कि इट्स अ सॉलिड बाइक, सॉलिड मशीन। ब्रेक समाप्त, शाम के 4 बज रहे हैं और यहाँ से लेह की दूरी है लगभग 65 किलोमीटर। ये आगे जो इंडियावर जा रही है यही है प्रत्युष सर की, इसमें उनकी फैमिली बैठी हुई है। वो चाहते तो आराम से इस गाड़ी में आ सकते थे। ये वाली कार भी हमारे साथ में ही है, रेंज रोवर। देख लीजिए। थैंक यू। ये है मैग्नेटिक हिल्स। सेम ऐसा ही एक फिनोमिनल हमारे यहाँ उल्टा पानी में भी है, जहाँ पे पानी उल्टा बहता है। इस जगह पे भी व्हीकल्स उल्टी चलती है, मतलब ग्रेविटी यहाँ काम नहीं करती है, ऐसा कहते हैं, बट ये एक इल्यूजन है। बट एक क्विक फ़ोटो ब्रेक के लिए रुका था मैं। चलते हैं आगे। मैग्नेटिक हिल से लगभग 3-4 किलोमीटर की दूरी पे ये गुरुद्वारा पत्थर साहिब है। यहाँ से हम लोग को लेना है राइट। वो सीधे आप देख रहे हैं शांति स्तूपा। हम लोग ऑलमोस्ट लेह पहुँच चुके हैं और मेरे को विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं लेह में हूँ। और ये है हमारा होटल, आज का होटल पालम हिल्स। शाम के 5:30 बज रहे हैं और फाइनली हम लोग सक्सेसफुली सेफली पहुंच गए लेह। और ये प्रॉपर्टी है जहां पे हम लोग 2 दिन तक विश्राम करने वाले हैं, क्योंकि लेह में एक्लेमेटाइज करने के लिए, एएमएस से बचने के लिए 2 दिन का रेस्ट बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग 2 दिन यहाँ पे रुकेंगे। विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं सच में लेह में हूँ, अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे कोई सपना देख रहा हूँ। कमेंट करके बताइए कि ये रियलिटी है। ये है हमारा आज का रूम। 2 दिन तक यही रूम होने वाला है, क्योंकि लेह में 2 दिन का स्टे है। और लेह का वेदर इतना अच्छा है, देखिए एसी की ज़रूरत ही नहीं है, फ़ैन की ज़रूरत ही नहीं है। और वॉशरूम देखते हैं। अरे ये वॉशरूम तो अपने आप में एक रूम है, देखो कितना बड़ा वॉशरूम है। बढ़िया है भाई, काफ़ी बड़ा वॉशरूम है। विंडो से देखते हैं व्यू कैसा है इधर। ओहो हो, क्या बात, अति सुंदर। इस विंडो से तो मैं बाहर भी निकल सकता हूँ, निकल के देखते हैं। एक नंबर रूम। यहाँ से मेरे को हमारी बाइक्स भी नज़र आएंगी, माउंटेन्स भी नज़र आएंगे, और क्या हवा चल रही है वो देखिए, उन फ्लैग्स को देखिए, तब समझ में आएगा कितनी तेज़ी से हवा चल रही है। और बहुत ही अच्छा हुआ कि हम लोग आज ही लेह आ गए, क्योंकि अभी अभी मेरे को न्यूज़ पता चली है कि लेह श्रीनगर हाईवे में कहीं पे बादल फटा है और पूरा हाईवे बंद कर दिया गया है। हम लोग लकी थे कि हम लोग निकल गए और लास्ट मोमेंट पे हम लोग लेह पहुंच गए। अब पता ही पेंगोंग लेक वगैरह जाने के लिए रास्ता मिलेगा कि नहीं, क्योंकि इधर भी कहीं शायद बाढ़ आई हुई है। देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा मैं आप लोगों को अपडेट करूँगा। काफ़ी अच्छा लग रहा है लेह आके, अभी भी ऐसा लग रहा है कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ। राइड सेफ, ऑलवेज वेयर अ हेलमेट। जय हिंद, जय भारत।